अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दो दिन का भारत का दौरा सुर्खियों में रहा। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत आए थे। उन्होंने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे तब सबको लगा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से CAA के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। हालांकि जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि CAA से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसको जानकर यकीनन आपको भी गर्व होगा। दरअसल भारत ने अमेरिका के साथ BVIP को ले जाने वाले दो नए बोइंग BVIP विमानों को मिसाइल रक्षा कवच से लैस करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का एक करार किया था, मगर भारत को दिए जाने वाले इन सुरक्षा कवच की बिक्री की मंजूरी अमेरिकी प्रशासन और रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने हाल ही में दी है। ये विमान मिसाइल रक्षा कवच से लैस होंगे और किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम करने में सक्षम होंगे। बता दें कि ये विमान सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही ले जाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये विमान इंफ्रारेड किरणों के हमले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करने की कोशिश और अन्य तरह के हमलों को विफल करने की प्रणालियों से लैस होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का बहुचर्चित विमान एयरफोर्स वन भी इन सुविधाओं से लैस है। बोइंग के अमेरिका स्थित कारखाने में तैयार हो रहे दोनों विमान जून 2021 तक भारत आने की उम्मीद है। इसके बाद वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं में इस्तेमाल होने लगेंगे। इन विमानों के निर्माण पर भारतीय वायुसेना नज़र रख रही है और अक्सर उसके अधिकारी बोइंग के कारखाने का दौरा करते रहते हैं। दोनों विमानों में मिसाइल प्रोटेक्शन सूट और अन्य सैन्य उपकरण लगे होने के कारण अब इनका स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास रहेगा। पहले BVIP फ्लीट में शामिल चार बोइंग 747 विमान एयर इंडिया के पास रहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय इस प्रणाली के अतिरिक्त नौसेना के लिए 24 रोमियो बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर और सेना के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद का भी समझौता हुआ है।